क्या मनुष्य का जीवन बिना ईश्वर के भी चल सकता है? ये बहुत ही अजीबोगरीब प्रश्न है, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सत्य है कि यदि तुम ईश्वर का नाम न लो, ईश्वर की प्रार्थना न करो, तब भी तुम्हारा जीवन जस का तस सुचारू चल सकता है, जैसे चल रहा है। और वैसे भी अभी तुम ईश्वर का केवल दिखावे के लिए नाम लेते हो और ये जानने का प्रयास नहीं करते कि क्या वो वास्तव में बिना किसी कारण और स्नेह के और जिज्ञासावश लिया जा रहा है। कहीं ईश्वर को याद करने के पीछे उसकी जड़ों के भीतर कहीं कोई ऐसा तत्व तो नहीं छिपा है जो स्वार्थ से जुड़ा हो, भय से जुड़ा हो, उन्माद से जुड़ा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे ईश्वर की जो स्मृतियां हैं या नाम हैं उनके मूल में कोई ऐसे तत्व हों जिनका धार्मिकता से कोई लेना देना ही नहीं। क्योंकि अक्सर ईश्वर की तलाश ऐसे लोगों को करते हुए देखा जाता है जो बिल्कुल अलग हटकर हों। मनुष्य और समाज में जो भी व्यक्ति बाह्य आडंबर और वेशभूषा धारण कर ईश्वर के पथ पर जाने वाला व्यक्ति होता है, उसे ईश्वर की खोज करने वाला मान लिया जाता है, भले ही वो उस वस्त्र के भीतर कुछ और प्रपंच रच रहा हो, उसका अध्यात्म से, ईश्वरत्व से दूर दूर तक कोई लेना देना ही ना हो। लेकिन क्या सभी साधक ऐसे होते हैं, सभी लोग ऐसे होते हैं? अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं कि ईश्वर की साधना आराधना वो मूढ़ों का कार्य नहीं, मूर्खों का कार्य नहीं, उसको तो परम उच्च कोटि के साधक, विद्वान और खोजी व्यक्ति ही करते हैं। अन्यथा ईश्वर के बिना भी तुम्हारी जिंदगी तो चल रही है और चल सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ईश्वर नहीं भी है तो भी ईश्वर ने ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी हैं कि ये सकल जगत, सकल जीवन कर्म प्रधान है। जब तक तुम कर्म करते रहोगे तब तक सब कुछ ठीक है, और जो ही तुम कर्मों में ढील छोड़ते हो ये जगत तुम्हें प्रताड़ित करने लगता है। प्रकृति ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई, यदि तुम उन व्यवस्थाओं का सम्मान करते हो तो ये प्रकृति तुम्हारा सम्मान करती है, लेकिन यदि तुम प्रकृति की व्यवस्थाओं का सम्मान न करो तो ये प्रकृति तुम्हें एक क्षण भी जीवित नहीं रहने देगी। मेरे जीवन में पत्नी है या नहीं, पुत्र है या नहीं, धन है या नहीं, मान सम्मान है या नहीं, इससे ईश्वर का कुछ भी लेना देना नहीं, और न ही ईश्वर के वास्तविक साधक का इन सब से कुछ लेना देना है। क्योंकि वो ईश्वर की तलाश इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे जीवन में सुंदर पत्नी आए, वो तो कर्म से आ सकती है, पुरुषार्थ से आ सकती है। मेरे जीवन में सुख हो, अपार धन वैभव हो, ये ईश्वर की अनुकंपा से तो होगा ही, लेकिन तुम उसे अपने पुरुषार्थ, अपने जटिल साहस और अपने बल से भी उत्पन्न कर सकते हो। ईश्वर की खोज वो बड़े ही बिरले लोग करते हैं, उसके पीछे कारण है। उसका कारण ये है कि जिस समस्त चराचर का हम दिव्य दर्शन करते हैं वो कैसे बना, ये बड़ा रहस्य और पहेली है। कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये बड़ा ही रहस्य और पहेली है। तो इतनी उच्च कोटि की बात क्या कोई आम व्यक्ति सोचता है? नहीं, वो तो केवल पति, पत्नी, परिवार और एक जीवन को जीना चाहता है जैसे आम मनुष्य जीते हैं, यंत्रों की भांति। क्योंकि उनके पिताजी एक यंत्र थे तो उन्होंने अपने पिता और दादा और अपने आसपास के रिश्ते नातों को यंत्रों की भांति पाया, तो उन्होंने अपना भी आचरण, अपना भी तौर तरीका यंत्रों की भांति ही रखा। तो वो सब यंत्र ही हैं, लेकिन उन यंत्रों के मध्य में से कुछ एक ऐसे दिव्य यंत्र होते हैं जो उस यांत्रिकी को छोड़ देते हैं, और वो तलाश करना चाहते हैं उस अज्ञात बिंदु की जिस अज्ञात से ये सब, ये पर्वत, ये हिमालय, ये ब्रह्मांड, ये आकाश, हम और आप उत्पन्न हुए। तो ईश्वर को मानने वाले, उनके लक्ष्य छोटे नहीं होते। वो ये नहीं चाहते कि ईश्वर के कारण या ईश्वर की साधना के कारण उनके जीवन में कुछ धन आ जाए, या उनकी आयु लंबी हो जाए, या वो रोग मुक्त रहें। वो ईश्वर की तलाश को पराविज्ञान की भांति पाते हैं, वो उसकी तलाश करते हैं भीतर, और उस तक पहुंचने के लिए
हर वो कार्य कर जाते हैं जिससे उन्हें उम्मीद होती है कि वो ईश्वर के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। और वो अनजाना ईश्वर जो अदृश्य है, अपरिभाषित है, अनदेखा है, अनकहा है, वो स्वयं जब साधक तलाश करता है, कोई आम मनुष्य तलाश करता है, तो उसे उत्तर देने लगता है और फिर उसका जीवन बदल जाता है। लेकिन मौलिक प्रश्न वही कि यदि ईश्वर को तुमने नहीं खोजा, ईश्वर के पथ पर तुम नहीं गए, तो क्या कोई हानि हुई? इसे एक भौतिक मस्तिष्क और एक छोटा मस्तिष्क कभी नहीं जान सकता और कभी नहीं आंक सकता। क्यों? क्योंकि उसका स्तर उतना विराट नहीं। वो तो ये चाहता है कि ईश्वर के नाम पर उसके पास धन हो, परिवार हो, ये सब तो पुरुषार्थ से हो जाएगा, तो ईश्वर की जरूरत कहाँ? भाग्य अपने स्थान पर बलवान होता है, लेकिन वो इतना भी बलवान नहीं कि हम उसी के भरोसे बैठे रहें। ईश्वर के नाम पर तुम प्रयास करते हो, उपाय करते हो, तो वो ईश्वर तुम्हें प्रत्युत्तर देता है, लेकिन आम मनुष्य के लिए ये सब व्यर्थ है। इसलिए तुम कुछ भी करो अपने जीवन में, सीधे प्रत्यक्षतः ईश्वर का उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपरोक्ष में वो इन्हीं सभी तत्वों का, तुम्हारी जीवन शैली का कारण है। हम ईश्वर को इसलिए मानते हैं ताकि जीवन के सार्वभौमिक सत्य को प्राप्त कर सके, और सार्वभौमिक सत्य प्राप्त करने की जिज्ञासा हर एक में नहीं है। यहां तक कि उस व्यक्ति ने जो ईश्वर की मार्ग की तलाश कर रहा है, उसने अपने जीवन को बदला हुआ पाया, वो एक अलग मार्ग पर चला जिस पर यांत्रिकी की भांति चलने वाले अन्य मनुष्य नहीं चल रहे। ये बड़ी विचित्र बात है। ऐसे में क्या एक तरफ अलग जीवन शैली है जो आध्यात्मिक पुरुषों की हो गई, और एक तरफ आम जीवन शैली है जो अन्य मनुष्य जिसे जी रहे। अन्य मनुष्यों के लिए जीवन बला अलग है और आध्यात्मिक मनुष्यों के लिए भी। जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो ये कहते हैं कि जीवन का सार मृत्यु के बाद भी है, और वो उसे जानते हैं, उसे मानते हैं, और उस तक अपनी क्रियाओं को ले जाते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद जीवन को बदलते हैं। लेकिन आम मनुष्य इन तत्वों को नहीं जानता, तो वो केवल ये मान लेता है कि चलो जैसे उसका जीवन बीत गया वैसे ही उसका मृत्यु का समय भी बीत जाएगा, और वो प्रकृति में वैसे का वैसा पड़ा रहता है जैसे हिमालय से टूटते पाषाण, वो जस के तस पड़े हैं प्रकृति में। उनकी यात्रा भी सतत जारी है, लेकिन बड़ी धीमी यात्रा है। इस संपूर्ण चक्र की जानकारी जो प्राप्त करना चाहता है, जो चाहता है कि वो सृष्टि के एक एक तत्व को प्राप्त कर ले, वही अध्यात्म में जाता है, वही ईश्वर की तलाश करता है। जबकि अब ये सब उल्टा हो रहा है। समाज में अब ईश्वर की तलाश वो करता है जो बिल्कुल असभ्य हो, जिसके भीतर ईश्वरत्व के लक्षण ही ना हो, और ऐसा व्यक्ति ईश्वर के नाम पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है जो दूर दूर तक उससे कोई वास्ता रखने वाला नहीं, क्योंकि उसका केवल बाह्य स्वरूप ऐसा है जिसको देखकर हमें लगता है कि वो ईश्वर को जानने वाला है, ईश्वर को मानने वाला। उससे बेहतर तो वो लोग हैं जो ईश्वर के नाम पर कोई प्रपंच ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे जीवन में प्रत्यक्ष ईश्वर का दखल नहीं। लेकिन ईश्वर की शक्तियों का दखल हमारे जीवन में अवश्य होता है, ये ऋषियों ने जाना और ये ऋषियों ने पाया। इसलिए दोनों सूत्रों में से प्रमुख सूत्र कौन सा है जिसे लेकर तुम आगे बढ़ सकते हो? पहला सूत्र ये कि ईश्वर का प्रत्यक्षता तुम्हारे जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं, इसलिए तुम चाहो तो कलांतक पीठ के नास्तिक संप्रदाय की भांति ही तुम भी ये कह सकते हो कि ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं, ईश्वर साक्षात नहीं, तो ईश्वर का कोई प्रपंच भी हम क्यों करें। और दूसरा मत ये कि ईश्वर भले ही प्रत्यक्ष में ना हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो तत्व प्रत्यक्ष में होते हैं केवल वही हैं, अप्रत्यक्ष में कुछ नहीं होता। आज विज्ञान ही नहीं, हमारे अपने अनुभवों ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि जो तत्व हमें प्रत्यक्ष में नजर आ रहे हैं उनके अप्रत्यक्ष में भी कुछ है, उनके पीछे भी कुछ छिपा हुआ है, और जो छिपा हुआ है उसके कारण ही प्रत्यक्ष भासता है।
तो उस अप्रत्यक्ष का भी उतना ही महत्व है। इसलिए जीवन में ईश्वर की शक्तियों का महत्व ऋषि मुनियों ने जाना, आंका और उसके लिए प्रार्थना की। इसलिए हाथ जोड़कर जब मनुष्य दुखी हो जाता था अपने जीवन के लिए, तब वो जीवन के लिए ईश्वर से कुछ मांग भी लेता था और वो उसे प्राप्त भी हो जाता था। लेकिन मौलिक चिंतन ये है कि उच्च कोटि के साधक इन तत्वों को इस प्रकार नहीं समझते। यदि तुम साधना में शिखर पर जा रहे हो, तुम्हारी खोज इन सीपियों और कौड़ियों की नहीं है, तुम बहुत विराट तत्व की खोज कर रहे हो, तो तुम्हें सावधान रहना होगा। क्योंकि यदि तुम ऐसे छोटे छोटे प्रपंचों में फंस जाते हो, तब तुम उस विराट ईश्वर की पथ पर नहीं जा पाते, क्योंकि उस तक ध्वनि पहुंचाना बड़ा अद्भुत है, बड़ा जटिल है। हालांकि हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि, हमारे आध्यात्मिक गुरु, हमारे संत, हमारे सिद्ध ये उदाहरण देते हैं कि तुम केवल ईश्वर का प्रेम से सुमिरन करने लग जाओ तो वो तुम्हें प्राप्त होने लगते हैं। ये क्या है, इसे क्या कहा जाए? इसके संबंध में केवल इतना कहा जा सकता है कि आम व्यक्ति को भी अध्यात्म की ओर प्रेरित किया जाए, इसके लिए इस तरह के तत्व कहे जाते हैं। अगर केवल इतना ही होता तो हमारे समाज में, करोड़ों अरबों के इस पुंज में, मनुष्यों की इस भीड़ में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारते हैं और ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगते होंगे। लेकिन क्या उनको ईश्वर की दिव्य अनुभूतियां प्राप्त हो गई? नहीं। क्या उन्होंने ईश्वर की दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लिया? नहीं। क्या उनके जीवन में समस्त रूपांतरण हो गया? नहीं। क्यों? इसका अर्थ है कि ये खोज केवल उतनी नहीं है जितनी बताई जा रही है। ये खोज केवल उसी स्तर की नहीं है जिस स्तर के अनुरूप इसके होने का दावा किया जाता है। ये खोज बड़ी ही विराट और जटिल है। इसलिए यहां व्यक्ति का योगी होना अनिवार्य है, ज्ञानी होना अनिवार्य है और विकार रहित होना अनिवार्य है। और ये सब होना इतना सहज और सरल नहीं है। पहले अपने आप को ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा करना है जो स्थिति मानवों के लिए ही चुनौती है। एक मानव महामानव नहीं बन सकता, उसका शरीर उसका साथ छोड़ देगा, उसका मन उसका साथ छोड़ देगा। और जब तुम शरीर के साथ, उसकी विचारधाराओं के साथ, उसकी भावनाओं के साथ खेल खेलते हो या उन्हें बांधने का प्रयास करते हो, तो वो बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। और कभी 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 तो कई बार तो वो तुम्हारे अस्तित्व के लिए ही संकट पैदा कर देते हैं। ये बड़ा विचित्र सा एक ऐसा झालमेल है, एक ऐसी विडंबना है कि इसमें से सत्य मार्ग कैसे निकाला जाए ये कोई नहीं बता सकता। ये तुम्हारा अपना निजी युद्ध है, इसके लिए तुम्हें भीतर से तैयार रहना होता है। इसलिए धर्म जानने में जैसा है, मूल में बिल्कुल वैसा नहीं। इसलिए सत्य साधकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि उनकी खोज जरा निराली हो, उनकी प्यास जरा अलग हो, उनकी तलाश जरा अलग हो। जब हम साधना करते हैं, जब हम किसी भी पद्धति से ईश्वर को पुकारते और उनको निहारते हैं, उनको निहारने का अभ्यास या कोशिश करते हैं, तो उनकी दिव्यता प्रत्युत्तर जरूर देती है। और ऐसे ऐसे कुछ अद्भुत गुण मिलते हैं जो प्रकृति के इन नियमों से मेल नहीं खाते, और उनको हम चमत्कारों की संज्ञा देते हैं। और कभी कभी ईश्वर साधक पर ऐसी अनुकंपा कर देते हैं कि मानव इतिहास में ऐसे ऐसे योगी हुए कि जिन्होंने जीवन भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कदम नहीं रखा, लेकिन संपूर्ण सृष्टि को भी देख लिया। हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे सिद्ध हुए जो एक ही स्थान पर बैठे रहे, लेकिन समस्त भोग उनके लिए सहज और सुलभ थे। ये ईश्वर की अनुकंपा से ऐसा होता है। लेकिन जब प्रत्यक्ष स्थूल के कारण हम इन तत्वों को खोजने का प्रयास करते हैं तो ऐसा नहीं होता। कोई मूर्ख ये कहे कि ईश्वर है और हिमालय के किसी उच्च कोटि के ऊंचे पर्वत पर जाकर नीचे कूद जाए ये कहकर कि भगवान का मैं भक्त हूं और भगवान मुझे बचा लेंगे, तो क्या ये संभव है? अरबों खरबों मनुष्य में से कोई अत्यंत उच्च कोटि की भावभूमि का योगी या भक्त ऐसा हो सकता है?
कि जिसकी रक्षा के लिए साक्षात प्रकृति के नियमों को तोड़कर परमेश्वर उपस्थित हो जाएं। लेकिन उस व्यक्ति के अतिरिक्त जितने भी उस पर्वत पर से कूदेंगे वो अवश्य मरेंगे। यही कारण है कि साधक जब साधना का अभ्यास करता है तो बहुत से तत्वों में उलझ कर रह जाता है। उसे कभी ईश्वरीय शक्तियों का जरा सा भी आभास हो, ईश्वर की कृपा अनुकंपा का जरा सा भी आभास हो, तो वो अपने आप को कृतकृत्य अनुभव करने लगता है। लेकिन जब उसके जीवन में वो तत्व और वो घटनाएं प्रत्यक्ष नहीं होती तो वो हिम्मत हारने लग जाता है और कहता है कि ईश्वर है ही नहीं। तो जो मन का टूट जाना है, कभी उसका एक पलड़ा भारी होना, कभी उसका दूसरा पलड़ा भारी होना, यही वो तत्व है जिससे साधना में बड़ी कठिनाइयां पैदा होती हैं। साधक को ज्ञानवान, चेतनावान, विवेकी होने के बाद ही ईश्वर के पथ को तलाशना होता है। और ये हर किसी की बस की बात नहीं है। हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता और ना ही हर एक व्यक्ति ऐसे तत्वों को सोच सकता है। क्या ईश्वर को लेकर तुमने कभी ऐसा सोचा कि हम ईश्वर की साधना आराधना क्यों कर रहे हैं? और क्या जो विधि, जो उपासना हमने पकड़ी है, क्या वास्तव में वो ईश्वर तक पहुंचती है? जब तक तुम्हारे अंदर इन सब तत्वों को जानने का कौतूहल नहीं होगा, तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, तब तक तुम्हारे हाथ कुछ ना आएगा। इसलिए इस परिस्थिति में मैं केवल तुम्हें उत्तर नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें उत्तर देता नहीं, मैं केवल तुम्हें एक तरह से प्रताड़ित ही करता हूं। और वो प्रताड़ना इसलिए है ताकि तुम भीतर इन प्रश्नों को जागृत होने दो। जब तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारी उत्कंठा ये जानने की होगी कि वास्तविकता क्या है, तो तुम प्रयास करोगे। और जब तुम निरंतर प्रयास करोगे तो तुम्हारे पास वो समय भी आएगा जब तुम भौतिकता के छोटे छोटे इन सीपीओ कौड़ियों से प्रसन्न नहीं होने वाले। तब छोटी सिद्धियां, पति पत्नी, धन यश मान सम्मान, ये तुम्हारी पूर्ति नहीं कर सकेंगे। तब तुम्हारे लिए सत्य ही केवल एक सहारा होगा जो तुम्हारी परम पूर्ति कर सकता है, और वो तुम्हें अवश्य उपलब्ध होगा, बस उसके लिए तुम्हें शुरुआत करनी होती। तो ईश्वर के इस डावाडोल होते मार्ग की तुम तलाश करो, अपने विचारों को खोजो ताकि तुम उस जटिल रहस्य को सहजता से सुलझा सको। अभी केवल इतना ही। ओम नमः शिवाय।